अगर कोई है आपको लगता है कि ब्लैक शीप है सर, उनको बाहर निकालो ना, हमें हम हमारे साथ क्यों इनजस्टिस कर रहे हो सर? सर हमें कुछ दो सर, रिटर्न में कुछ इंश्योरेंस दो, मतलब हम यहीं पे जहर दे दो सर, हम यहीं पे मर जाएंगे, हमें नहीं उठना यहाँ से, हमने आठ बार किया हुआ है सर, हम क्यों 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 दोबारा से करें? साफ सीधी तस्वीरें हम आपको यहाँ पे प्रेस क्लब से दिखाने का प्रयास करें, यहाँ पे अकाउंट असिस्टेंट के जो यूथ हैं, स्टूडेंट्स हैं, एस्पायरेंट्स जो हैं, खासकर हमारी बच्चियों की बात करें जो आप प्रदर्शन कर रही हैं और यहाँ पे लगातार यहाँ पे अपने दुख को व्यक्त करते हुए रोते हुए नज़र आ रही हैं और लगातार एलजी मनोज सन्हा से डिमांड कर रही हैं कि उनकी सिलेक्शन लिस्ट जो है जल्द से जल्द वो निकाली जाए। तो लगातार ये काफ़ी समय से प्रदर्शन कर रहे हैं, कल का ये जो है वो प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं। दो साल पेपर जो था पोस्टपोन होता रहा तो सर अभी जब क्वालिफाई हुआ तो सर अब देखो ये 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 हम फिर सड़कों पे ही है। हार्ड वर्क करने का कोई तरीका ही नहीं है ना, इससे बेटर है कि हम हार्ड वर्क करें ही नहीं। फिर अगर करना था तो जब रिजल्ट निकला था उसके सेकंड डे ही बता देते, चार महीने बाद बता रहे हैं ये सब चीजें की ये होनी है, बताओ हम कैसे फेस करेंगे? आप देख सकते हैं कि इनके आंसू जो निकल रहे हैं, वही इनके जो है संघर्ष किस तरीके से इन्होंने किया है वो। सर हम लोग यहाँ पे डिजर्व नहीं करते ये सब चीजें बैठना, सर हम लोग घर पे बैठ के पढ़ना चाहते थे, अभी हमारा 31 को फ्री आ रहा था सर, हम उसके लिए पढ़ना चाहते थे। पिछली बार मैंने मेंस लिखे थे, अब तो मुझे ये भी नहीं पता कि मेरा इस बार फ्री भी क्वालिफाई होगा कि नहीं होगा। सर अब सड़कों पे आके बैठ गए हुए, देखो आप लोग क्या हालत होगी सब सर हमारी। हार्डवर्क करने का ये नतीजा है सर, गलत मैसेज जाएगा आगे वाली जनरेशन को सर, ये स्क्रैप 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 कोई सलूशन नहीं है सर, कोई सलूशन नहीं है स्क्रैप करने का। तो साफ हमने यहाँ पे आपको दृश्य दिखाने की कोशिश करें जहाँ पे यूथ जो है जम्मू की बच्चियों की अगर हम बात करें तो यहाँ पे रोते हुए बिलखते हुए जो है नज़र आ रही हैं और कहीं ना कहीं एलजी मनोज सन्हा से डिमांड कर रही हैं, अपील कर रहे हैं कि जो उनका अगर ऐसा ही चलता रहा पेपर लो फिर वापस से री एग्जाम दो, तो हमें अगर यही करना है तो हम एक ही बार पेपर ही ना दे फिर बेटर है हमें। मैंने हम इतनी इतनी दूर से आके यहाँ पर बैठे हैं, हमें यहाँ पे पढ़ना चाहिए, हम इधर आके बैठे हुए हैं, क्या हम यहाँ पर डिजर्व करते हैं, यहाँ पर बैठना डिजर्व करते हैं? अगर हार्डवर्क करने का ये नतीजा है तो मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि हार्डवर्क करो ही मत, बाकियों की तरह हम ये बोल देंगे कि री एग्जाम लो, कैंसिल कर दो पेपर। आप क्या कहेंगे? तो साफ सीधी तस्वीरें हमने आपको यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया है जहाँ पे यूथ जो है और खासकर हम यंग लड़कियों की बात करें तो यहाँ पे अपने हक को लेकर, अपने अधिकार को लेकर लगातार प्रदर्शन जो है वो कर रही हैं और अपने आंसुओं के साथ जो है यहाँ पे प्रदर्शन कर रही हैं। आप देख सकते हैं साफ तस्वीरों में, तो कहाँ गए वो वायदे जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किए जाते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो है उसके नारे लगाए जाते हैं। लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं प्रेस क्लब से दृश्य हम आपको यहाँ पे दिखाने का प्रयास करें, यहाँ पे वही बेटियाँ वही यूथ जो है अभी सड़कों पे प्रदर्शन कर रही हैं अपने मांग को लेकर, अपने अधिकार को लेकर। साफ तस्वीरों में आपको दिखा रहे वी वांट सिलेक्शन लिस्ट, उसके लिए लगातार कल से ही प्रदर्शन जो है वो जारी है। लेकिन अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, अन्य अधिकारी की हम बात करें, तो किसी के द्वारा कोई भी रिस्पांस जो है वो सामने नहीं निकल कर आया, क्योंकि बात करें
कानून हमारे लिए नहीं है, बोलो जस्टिस नहीं है हमारे लिए, जस्टिस नहीं है क्या? आप बाकियों के लिए लॉ बना रहे हो कि उनको देखो उनको देखो, हमें कोई नहीं देख रहा, हम तो इधर बैठे हैं, घर में जो बैठे हैं, कुछ किया जा रहा है यहाँ पे सिर्फ हम लोग 972 नंबर्स पे, इसका मतलब लेस नंबर में, तो क्या हमारे साथ जस्टिस नहीं होगा? मैम मेजोरिटी को क्यों कुछ किया जा रहा है? मेजोरिटी जो सिलेक्टेड होंगे वो हमेशा मेजोरिटी में ही होंगे, वो लेस में होंगे, हम कुछ नंबर्स में होंगे, हमें जस्टिस दो, पता नहीं उठने वाले यहाँ से। सर 972 फैमिली से घर जाके माफी मांगे तब हम बैठ में उठेंगे, दो साल दो हमारे 972 फैमिली के घर जाके माफी मांगे, सर हाथ जोड़ते हम, हमारी फैमिली इतनी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो यहाँ पे यूथ जो है हाथ जोड़कर एलजी मनोज सेना से जो है लगातार बारिश हो रही है, मर रहे हम, करेंगे क्या इसके बाद? हम इसके बाद हम जाएंगे कहाँ यार, ये तो बताओ, कम से कम दिलो से ही मारती है, बिना पूछे कमरे में बैठ के आप सब कुछ कर रहे हो, हमारा घर में देखो यार, हम घर में हमारी घर वालों को देखो यार, यूथ के द्वारा यहाँ पे प्रदर्शन जो है वो कहीं ना कहीं उग्र होता जा रहा है और गुस्सा साफ सीधी तस्वीर में आपको नजर आ रहा है। आप देखिए साफ सीधी तस्वीर हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं, इस तरीके से यूथ जो है यहाँ पर उनका कहीं ना कहीं सर हमारे जर्नलिस्ट सामने नहीं आ रहे हैं लेकिन ये भी रो रहे हैं, अब जर्नलिस्ट हमारे जर्नलिस्ट के सामने कैमरा करो सर, जो आप कवर कर रहे हो आप भी रो रहे हो सामने दिख रहा है, दोनों नौकरियां चली गई, दे आर क्राइंग, इवन दे आर क्राइंग, शी इज क्राइंग, शी इज क्राइंग, जिंदगी का ख्वाब होता है सर हमारी, पहले वो छीन ली, अब अकाउंट असिस्टेंट घर वालों का ख्वाब है, हमारा भी ख्वाब है, अब वो छीन ली, कुछ तमाचा चल रही है, कोई ऑप्शन नहीं है मरने के, हमारे पास मरना हमने इसके बाद बस, हमने मर जाना है इसके बाद, सर अपनी पावर का गलत इस्तेमाल मत करो, कितनी बार मेहनत करेंगे हम, और सर एलजी सर अगर कुर्सी नहीं संभलती साफ नहीं होगी, छोड़ दो हमें बोला गया आर्टिकल 3 आपको भी आप
साफ सीधी तस्वीरें हमने आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करी, जहाँ पे यूथ जो है लगातार प्रदर्शन कर रहा अपने हक को लेकर, अपनी मांग को लेकर। ये वही फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के तमाम एस्पायरेंट हैं जो यहाँ पे लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और बेटियों की बात करें तो बेटियाँ रोते बिलखते हुए यहाँ पे प्रदर्शन कर रही हैं और लगातार डिमांड कर रहे हैं कि उनकी जो सिलेक्शन लिस्ट है वो जल्द से जल्द वो है निकाली जाए, कि उनकी जो मांगे हैं वो पूरी की जाए। हालांकि लेकिन इसके फिलहाल आपको बताते चले, यहाँ पे आरटीए एक्सप्रेस बलविंदर सिंह जी यहाँ पर पहुंचे हैं यूथ के सपोर्ट के लिए, यहाँ पर आए हैं। पहले अगर हम बात करें तो लगातार यहाँ पर प्रदर्शन जो अब किया जा रहा था, कोई भी इनके हक के लिए, इनके सपोर्ट के लिए कोई नहीं आया था। लेकिन फिलहाल बलविंदर सिंह जी जो आरटीए एक्टिविस्ट हैं, जो माने गए एक्टिविस्ट हैं जम्मू के, वो यहाँ पर पहुंचे हैं यूथ का प्रदर्शन के लिए। इस बारिश के मौसम में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। यहाँ पे बैठ चुके हैं और यहाँ पे प्रदर्शन जो है करने के लिए जो है तैयार बैठे हैं। आरटीए एक्टिविस्ट जो है यहाँ पर पहुंच चुके हैं। क्या कुछ उनका कहना है उन्हीं से हम जानेंगे। यहाँ पर देखिए कितने यूथ जो है फिलहाल यहाँ पे इकट्ठा, और ये प्रदर्शन में एक नया मोड़ जो है फिलहाल आ चुका है कि यूथ के साथ जो है आरटीए एक्टिविस्ट जो है वो भी फिलहाल यहाँ पे ज्वाइन कर चुके हैं। हमारी इस एनडीए एडमिनिस्ट्रेशन के हर काम पे हमें बड़ी शर्म आती है। आज ये हमारी बच्चियाँ यहाँ सड़क पे रो रही हैं, बिखरा रही हैं। ये 972 फैमिली को, ये 972 फैमिली जिनको आप सब्सक्राइब करने जा रहे हैं, अगर इनका कसूर क्या है? कोई एक कसूरवार हो सकता है, दो कसूरवार हो सकते हैं। आपके जो अफसर कसूरवार थे, आपके जो बीजेपी के पॉलिटिशियन कसूरवार थे, जिन्होंने सब इंस्पेक्टर के लिए 35-35 लाख रुपए लोगों से लेकर बैकडोर पे उनकी एंट्रियां करवाई, उन लोगों को पकड़िए ना, उनके अकाउंटेबिलिटी फिक्स कीजिए। इतने घरों को क्यों उजाड़ने जा रहे हो आप? शर्म आ रही है ये सरकार को, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को। अलजी साहब, मैं समझता हूँ आपकी एडमिनिस्ट्रेशन टोटल फेलियर है। ये बच्चियां हमारी किस तरह रो रही है यहाँ पर, रो रही है हमारी बच्चियां यहाँ पर। आपके जो कारनामे में है पब्लिक के सामने आ रहे हैं। क्या हो गया ऐसा, क्यों बच्चों को समझ में आना पड़े, क्यों आपकी एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर है? लोगों को मिलनी चाहिए, जो आपके कांस्टेबल जिनके ऐसा पेपर निकला, सजा उनको मिलनी चाहिए, सजा आपके स्टेट सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड को मिलनी चाहिए, उन अफसर को मिलनी चाहिए। इन बच्चों को किस चीज की सजा दे रहे हो? अगर किसी एक का कसूर है, उसकी वेरिफिकेशन करो। सारे 972 शासन के पास एक ही फंडा है कि चलिए सब्सक्राइब कर दीजिए। पीएससी की लिस्ट अगर सब्सक्राइब कर दी, एसएसबी की लिस्ट है आप सब्सक्राइब, सब इंस्पेक्टर की लिस्ट आप सब्सक्राइब कर रहे हो। अगर आप चाहते क्या हो एडमिनिस्ट्रेशन, अजी साहब नहीं एडमिनिस्ट्रेशन चलती तो छोड़ के चले जाइए, बच्चों का भविष्य मत खराब कीजिए। हमारी छोटी छोटी बच्चियां यहाँ रो रही है, देखिए आप क्या पिछले 2-3 साल से जो आपके कारण में यहाँ पर है टोटल फेलियर रहा। सब इंस्पेक्टर के 10-35 लाख रुपए आपके सिंह जो पहुंचे हुए का प्रयास किया, और यहाँ पर उनके सपोर्ट के लिए आए हुए हैं। और उन्होंने साफ कहा कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से अगर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं संभाली जा रही, अगर यूथ का भविष्य वो दांव पे लगा चुके, अगर नहीं संभाली जा रही तो उनको अपनी कुर्सी जो है वो छोड़ देनी चाहिए। फिलहाल आपका क्या कुछ कहना है, आप अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। फिलहाल के इतना ही, जुड़ रहे हैं आप सच न्यूज नेटवर्क के साथ। नमस्कार।